गुड इवनिंग एवरीवन, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज का हमारा वीडियो है हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन से रिलेटेड। तो आज दिनांक 26/8/2020 को हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन शिमला ने एक प्रेस नोट निकाला है जिसमें वेरियस एग्ज़ाम्स का टेंटेटिव शेड्यूल दिया गया है। तो इसमें इस टेंटेटिव शेड्यूल में कुछ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हैं, एक मेंस का एग्ज़ाम है और एक नॉन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का शेड्यूल है। तो चलिए फटाफट से शुरू कर लेते हैं आज का वीडियो। तो इस शेड्यूल में जो हमारा फर्स्ट कैटेगरी है वो है टेंटेटिव शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, मतलब ऑनलाइन जो टेस्ट होंगे। तो इसमें हमारे पास है फर्स्ट कैटेगरी ड्रग इंस्पेक्टर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो टेंटेटिवली ये एग्ज़ाम होना है 2 नवंबर 2020 को। और इसमें सेकंड नंबर पे है वर्क मैनेजर इन एचआरटीसी, वर्क मैनेजर की पोस्ट है एचआरटीसी डिपार्टमेंट में। तो इसका टेंटेटिव एग्ज़ाम डेट है 3 नवंबर 2020 को। इसमें थर्ड कैटेगरी है असिस्टेंट प्रोफेसर फार्मेसी इन फार्माकोलॉजी। तो इसका टेंटेटिव एग्ज़ाम डेट है 4 नवंबर 2020 को। तो नेक्स्ट देख लेते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर, ये भी फार्मेसी से ही रिलेटेड है, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। तो इसका एग्ज़ाम होना है टेंटेटिवली 5 नवंबर को। तो इसमें फिफ्थ कैटेगरी है असिस्टेंट प्रोफेसर, ये भी फार्मेसी के लिए ही है, तो फार्माकोलॉजी में। तो इसका टेंटेटिव शेड्यूल है 6 नवंबर 2020 को। तो इसका लास्ट जो पोस्ट है वो है असिस्टेंट प्रोफेसर फार्मेसी में ही, फार्मास्यूटिक्स, ये है 7 नवंबर 2020 को। तो नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट कैटेगरी है टेंटेटिव शेड्यूल फॉर मेन एग्ज़ाम। तो एचएएस की जो मेन एग्ज़ाम है उसके लिए एग्ज़ाम डेट्स रखी है 7/11/2020 से लेके 24/11/2020 को। तो थर्ड कैटेगरी आ जाते हैं टेंटेटिव शेड्यूल ऑफ नॉन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, या जिसे हम बोल सकते हैं कि ये टेस्ट जो है वो ऑनलाइन होगा। तो इसमें आ जाता है स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट जो कि ऑफलाइन होना है, और इसकी टेंटेटिव एग्ज़ाम डेट दी गई है 22 नवंबर 2020 को। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो।